नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज रूम पोस्ट में। सेब सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। डॉक्टर भी हमें रोजाना एक सेब खाने की सलाह देते हैं। कहते हैं रोजाना एक सेब खाने से व्यक्ति बीमार नहीं होता। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सेब खाना पसंद होगा, लेकिन कई बार हम सेब खाने के बाद कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमें दिक्कत होने लगती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सेब खाने के बाद किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और सेब की तासीर कैसी होती है। अगर आपको भी इन दोनों ही सवालों के जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सेब की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में सुबह के समय सेब को खाने से बचें। खासकर उन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए जिन्हें कफ की समस्या रहती है। ऐसे लोग सुबह के समय सेब का सेवन करने से बचें। सेब खाने के बाद आपको मूली खाने से बचना चाहिए। सेब के बाद मूली का सेवन पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। सेब खाने के बाद कभी भी आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए, वरना आपको आंतों में सूजन या अपच की समस्या झेलनी पड़ सकती है। सेब खाने के बाद कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही की तासीर भी ठंडी होती है, ऐसे में दोनों मिलकर आपको सर्दी की समस्या दे सकते हैं। सेब का सेवन करने के बाद कभी भी अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पेट में सिट्रिक एसिड बढ़ सकता है, साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।